गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर टू हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थ्री, मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट। मीन जो भी मूवमेंट होते हैं अर्थ पे उसका इफेक्ट क्या होता है। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न द अर्थ लाइक अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। टेक अ ग्लोब एंड ट्राई टू स्पिन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक ग्लोब लीजिए और उसको स्पिन करिए वेस्ट टू ईस्ट साइड में। ओके, द अर्थ ऑल्सो स्पिन इन द सेम वे। और अर्थ सेम वे में स्पिन करता है, घूमता है। नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन। उसके बाद अब फिर से दोबारा से ग्लोब को देखिए। यू विल नोटिस दैट द ग्लोब इज स्लिटेड एंड एट अ पार्टिकुलर एंगल। आप देखे होंगे जो ग्लोब है एक पार्टिकुलर एंगल पे ट्लीटेड, हल्का सा झुका हुआ है। जस्ट लाइक द ग्लोब द अर्थ इज ऑल्सो ट्लीटेड। जैसा कि ग्लोब हल्का सा ट्लीटेड है, सेम वैसा ही अर्थ हल्का सा झुका हुआ है। नाउ इमेजिन अ लाइन ड्रॉन थ्रूथ द सेंटर ऑफ द अर्थ ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप एक लाइन इमेज करिए जो अर्थ के सेंटर में हो और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रही हो। द इमेजनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ द अर्थ। उस इमेजनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ द अर्थ। द एक्सेस इज स्लिटेड एट एंगल ऑफ 66 1/2 degree टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। और ये कितने 21 डिग्री एंगल पे स्लिटेड करती है, 66 1/2 degree एंगल पे। The Earth spin from west to east on its axis. Earth spin करता है west से east side में on its axis, अपने ही axis पे। Let us find out more about its movement. अब हम इसके और movements के बारे में पढ़ेंगे। The two movements are there Earth. दो movement होते हैं हमारे Earth पे, rotation and revolution. रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन, द स्पेनिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो स्पेनिंग होता है मोमेंट, जो मोमेंट होता है स्पेनिंग मोमेंट होता है अर्थ का इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे इसको इस कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। द अर्थ टेक 24 hours टू कम्प्लीट वन रोटेशन। और अर्थ एक रोटेशन कम्प्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 24 hours का टाइम लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन एक कारण है जिस कारण से डे और नाइट, दिन और रात होते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट, जब अर्थ रोटेट होता है, ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेस द सन। जब अर्थ घूमता है तो अर्थ का एक ही हिस्सा होता है जो सन को फेस करता है, मीन्स सन के, सूरज के सामने होता है। वाइल द, यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए सन और ये अर्थ, अर्थ रोटेट कर रहा है उसका इतना, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं हल्का लाइट है, यहाँ पे सन की रोशनी पड़ रही है, तो मीन्स यहाँ पे दिन है। और इसके बैक साइड में यहाँ पे पूरा डार्क है, मीन्स यहाँ पे नाइट है। इस अदर पार्ट रिमेन अवे फ्रॉम द सन, जैसे कि आपने उस पिक्चर में देखा, डायग्राम में देखा, जो सन के सामने का जो पार्ट था वहाँ पे लाइट थी, रोशनी थी, और वहाँ पे डे टाइम था। उसके जो रिमेन बैक साइड का जो पार्ट था वहाँ पे नाइट था। अदर पार्ट रिमेन अवे फ्रॉम द सन, जो भी अर्थ का जो पार्ट सन से दूर था। द पार्ट दैट द फेस सन रिसीव सन लाइट एंड हैज अ डे, जो भी पार्ट सन का जो पार्ट अर्थ का सनलाइट को रिसीव कर रहा था वहां पे डे था, मींस दिन था। व्हाइल द अदर पार्ट इज इन डार्कनेस, आपने वहां पे देखा जो उसका दूसरा पार्ट था वो कैसा था, डार्कनेस था, मींस अंधेरा था वहां पे। एंड हैज नाइट, वहां पे क्या था, रात थी। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट करता है कहां से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द सन सीम टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, इसी यही एक कारण है कि सन ईस्ट की तरफ से उगते हुए दिखता है। दिस इज द रीजन व्हाई प्लेस इज द इन द ईस्ट
गेट एक्सपोज टू द सन फर्स्ट। यही एक कारण है कि जो ईस्ट साइड के मीन्स जगह है वहाँ पे सन सबसे पहले एक्सपोज करता है, मतलब दिखाई देता है। हेंस देयर द टाइम इज अहेड ऑफ द टाइम इन प्लेस इन द वेस्ट, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके वेस्ट साइड में दिखाई देता है। सम ऑफ यू मे हैव फ्रेंड और रिलेटिव इन अदर कंट्रीज, आपके कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड रिलेटिव्स जो दूसरे देश में रहते हैं। एंड फाउंड इट वॉज नाइट देयर वाइल इट डे टाइम इन इंडिया, लोग उनसे बात करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि जिस टाइम इंडिया में दिन है उसी टाइम जो अदर कंट्री है वहाँ पे रात हो जाती है। नाउ यू नो हाउ इट्स हैपेंस, और तो आपने ही जाना कि कैसे दिन और रात होता है। तो हम रिवॉल्यूशन को देखते हैं, पढ़ते हैं रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।